खूबसूरत वादियां और प्रकृति के अद्भुत नजारे किसे अच्छे नहीं लगते हैं, और अगर गुलाबी ठंड का मौसम हो तो ये नजारे और भी सुहाने हो जाते हैं। प्रकृति का एक ऐसा ही अनूठा और मनमोहक दृश्य आपको मध्य प्रदेश के एक जिले में देखने को मिलेगा। यहाँ की खूबसूरती को देखकर आपको भी यह महसूस होगा कि भीड़ भाड़ से दूर एमपी में एक जगह ऐसी भी है जहाँ विदेशों से भी खूबसूरत वाटरफॉल के नजारे को आसानी से देखा जा सकता है और लुफ्त भी उठाया जा सकता है। ये नजारे आपको मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का रीवा एक ऐसा जिला है जहां प्रत्येक 60 किलोमीटर के दायरे में आपको 6 वाटरफॉल दिखाई देंगे। रीवा जिले के सिमरिया अंतर्गत पूर्वा गांव में प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए एक अद्भुत झरना है। इस झरने को पूर्वा वाटरफॉल कहा जाता है। यह वाटरफॉल रीवा से वीड़ा सिमरिया मार्ग पर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वाटरफॉल गोदहा गांव के आगे पूर्वा गांव में है, जो प्रकृति के खूबसूरत दृश्य पेश करता है। पूर्वा जलप्रपात की ऊंचाई 70 मीटर यानी 230 फीट है। जलप्रपात तीव्र है और पानी की भारी मात्रा हर सेकंड यहां गिरती है। रीवा में ठंड और बारिश के मौसम में यहां यात्रा करना बेहद अच्छा माना जाता है। दूर दूर से सैलानी इस खूबसूरत वादी का आनंद उठाने के लिए यहां आते हैं। देखिए, रीवा को जैसे द सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है, तो यहां पूर्वा वाटरफॉल सबसे बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है। इसकी रीवा से दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ जाती है। तो जैसे कि ठंड बढ़ रही है, ठंड शुरुआत में है, तो सुबह सुबह यहाँ पर्यटक जैसे गुलाबी ठंड के थोड़ा थोड़ा कोहरा रहता है तो देखने के लिए उत्साहित होते हैं और यहाँ खूबसूरत नजारा दिखता है लोगों को और लोग बहुत ही पसंद करते हैं। और रीवा में आपको 50-60 किलोमीटर हर 50-60 किलोमीटर के अंदर एक वाटरफॉल मिल ही जाएगा। और रीवा में ऐसे कई सारे वाटरफॉल जैसे क्योटी हो गया, बहुती हो गया, पूर्वा का है ही, तो ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और ठंड की शुरुआत में सभी लोग इसे देखना पसंद करते हैं और यहाँ पर्यटक ज्यादा से ज्यादा घूमने आते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि धूप बढ़िया निकलती है और हवाएं तेज चलती हैं, तो लोग वहाँ पे बैठ के प्रकृति का आनंद उठाते हैं, थोड़ा शांति का अनुभव करते हैं, पानी की कलकलाहट होती है, तो इस प्रकार से मन के शांति के लिए लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। देखिए, क्या है कि प्रकृति की जो सुंदरता होती है और जो मानव निर्मित सुंदरता होती है उसमें अंतर तो होता ही है, और ये प्रकृति ने जो भी बनाया है, अपने से बनाया है, तो ये काफी बेहद खूबसूरत रहता है। ये कोई मनुष्य नहीं बना सकता और मनुष्य लोग इसे बनाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो है खूबसूरती तो है और लोग इसे काफी पसंद करते हैं और लोग प्रकृति से जुड़ने का एक स्थान भी कहते हैं इसको, कि यहाँ पे बैठ के अपन प्रकृति से जुड़ सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं।